महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक भीषण सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार शनिवार रात हुए हादसे में 8 लोग बच गए। दुर्घटना बुलढाणा जिले के दूसर बीड़ और सिंदखेड़ राजा के बीच पीपल खूटा शिवार में समृद्धि राजमार्ग पर हुई। हादसे में जिंदा बचे व्यक्ति के मुताबिक हादसा आधी रात करीब 1:26 पर हुआ है। पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक नागपुर से औरंगाबाद रूट पर बस पहले दाहिनी ओर एक लोहे के खंभे से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर आने जाने वाले दोनों लेन के बीच कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। शनिवार की सुबह 12 लोगों की पहचान की आदि सामने आई, जिसमें वाड़ी दाभा SDPL पैराडाइज निवासी ईशान गुप्ता उम्र 21 का समावेश है। बताया जाता है SDPL पैराडाइज विंग ए 503 फ्लैट नंबर में तकरीबन एक साल से गुप्ता परिवार भाड़े से रह रहा है। यह फ्लैट हीरालाल गोरेश के नाम पर है, जिसे तकरीबन एक वर्ष से गुप्ता परिवार निवास में है। ईशांत का 27 वर्षीय बड़ा भाई ऋत्विक गुप्ता माता तथा पिता के साथ ईशांत रहा था। ईशांत के पिता का वाटर प्यूरिफायर RO का अच्छा काम था, जिसमें ईशांत गुप्ता पिताजी और बड़ा भाई ऋत्विक तीनों मिलकर व्यापार में हाथ बटाते थे। जानकारी मिली है कि ईशान की पिताजी के बिजनेस में काफी रुचि रही और उसी व्यापार के सिलसिले में वह ज्यादातर बाहर रहता था। ईशान पुणे की ओर जा रहा था। अंदाज लगाया जा रहा था कि ईशान बिजनेस के सिलसिले में ही पुणे की ओर जा रहा था। पास पड़ोसियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि ईशान बहुत ही शांत स्वभाव का था। गुप्ता परिवार के चारों सदस्यों का स्वभाव काफी नम्र है। ईशांत रोज पेरिस नाम के डॉगी को अपार्टमेंट के आंगन में घुमाता था और जो दुर्घटना हुई है वह बहुत दुखद और निंदनीय है, जिससे गुप्ता परिवार के ऊपर काफी संकट का पहाड़ गिर पड़ा। परिवार को हादसे की जानकारी मिलते ही शनिवार की सुबह ईशांत के माता पिता तथा भाई ऋत्विक घटना स्थल पर पहुंचे। आज नागपुर से पुणे जा रही बस की जो सड़क हादसे हुए हैं, उसमें से एक लड़का हमारे दावा निवासी इंसान गुप्ता नाम का व्यक्ति 21 साल की उम्र है और जितने भी उसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे पहले हम भाईचारा राजमा परिवार के तरफ से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों के तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसमें कहीं के जो सड़क हादसे हुए हैं, कार का बस का फटना, खंभे से टकराना और फिर आग लग जाना, आग लगने के कारण टंकी फटे डीजल से नहीं है। आज बस वाले पूरे ट्रेवल्स वाले ज्वलनशील पदार्थ या कैसे कैसे लगेज लोड करके जाते हैं और लगेज लोड ऐसा करते हैं कि जो पब्लिक कैरियर है, पब्लिक कैरियर में गुड्स कैरियर का माल कभी नहीं जाता। इसमें कहीं कहीं IT विभाग संचालित है, बस के मालिक संचालित है, ट्रेवल्स के मालिक संचालित है, जो कि ये गुड्स कैरियर का माल लोड करते हैं और जनता का खतरे में जिंदगी डालते हैं। परिवहन माफी RTO विभाग पे इसमें कड़ी से कड़ी जांच कराए। मुख्यमंत्री DCM देवेंद्र फडणवीस जी से मैं अनुरोध करता हूँ, कैसे RTO परिवहन माफिया जो गलत तरीके से गाड़ियों को चलवा रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको सजा दिलाएंगे तभी उन मृतक आत्माओं को शांति भी मिलेगी। और जिस तरह से बस का संचालन हो रहा है, सभी बस का निगरानी करनी चाहिए और पब्लिक बस में तभी लोग जाएं जब सही तरीके से बस सुरक्षित हो। आज सुरक्षित तरीके से लोगों से मैं आह्वान करूंगा, कैसे बसों में आना जाना ना करें। जय हिंद, जय भारत। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।